सनातनियों के परम पूजनीय भगवान हनुमान जी के जीवन पर आधारित हनुमान चालीसा की सरलतम व्याख्या करके उसे सांसारिक जीवन में उतारने के तरीके बताने को लेकर प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता पंडित विजय शंकर मेहता वर्ष 2023 की पूर्व संध्या भिलाई में आयोजित एक शाम स्वागत के नाम कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम भिलाई के सतविजय ऑडिटोरियम में आयोजित था। इस दौरान उन्होंने सुंदरकांड की संगीतमय प्रस्तुति के साथ ही सरल व्याख्या की। ठीक इससे पहले मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने धर्म पथ और कर्तव्य पथ से भटके हुए युवाओं के लिए कहा कि योग ही इसका एकमात्र समाधान है। साथ ही महापौर नीरज पाल का कहना है कि आयोजन का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली बुराइयों से युवाओं को बचाना है। क्या कुछ होने वाला है? देखिए, ये लगातार 7 सालों से महापाठ का आयोजन पंडित विजय शंकर शुक्ला जी के, विजय शंकर मेहता जी के सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से यहाँ पे सुंदरकांड पे आधारित स्वागत, एक शाम स्वागत के नाम महापाठ का आयोजन लगातार हो रहा है और आज भी उसी की कड़ी में महाउत्सव 2022 का आयोजन है। क्या कुछ विषय रहने वाला है? ये सुंदरकांड पे आधारित जो आज की युवा पीढ़ी जो मीडिया का जो गलत उपयोग कर रही है, मीडिया बोलने से जो सोशल मीडिया और जो आजकल जो टीवी और दुनिया भर के माध्यम जो होते हैं, वो उसका जो गलत उपयोग जो हो रहा है बच्चों के द्वारा, युवा पीढ़ी के द्वारा, उसको अगर उसका दूसरा रूप से किया जाए तो उसका बहुत अच्छा उपयोग भी किया जा सकता है। उसी के तारतम्य में नशे से दूर रहें, धर्म के प्रति उनका झुकाव रहे, उसको लेके सुंदरकांड को जोड़ के एक आयोजन होता है। समानांतरण में युवा भटक जाता है, अंतर करता है या फिर एक रूप नहीं पा पाता, कैसे वो आगे बढ़े? मैंने आपके प्रश्न का इसी में उत्तर दिया है कि क्या होता है कि धर्म पथ और कर्तव्य पथ है तो एक ही, लेकिन चूंकि अभी सबका कोई अध्ययन होता नहीं है और अभी साइंस और टेक्नोलॉजी के टाइम में बच्चे इतना टाइम नहीं दे पाते, तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ कि थोड़ा योग की रुचि जिस भी स्तर पर बच्चों में आ जाए तो वो आप जो पूछ रहे हैं इसकी क्लैरिटी उनको आएगी और ऐसा होना भी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट।